हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है दिल्ली के अशोक बाग से, जहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हम DCP कबीर बख्शी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा था। अब कबीर की बात करें तो कुछ टाइम पहले ही कबीर की वाइफ रश्मि की किसी बीमारी की वजह से डेथ हुई थी। कबीर इसी बारे में अपनी माँ से बात कर रहा था, तभी उसे कॉल आता है और कबीर को पता चलता है कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब ये सुनने के बाद कबीर तुरंत वहाँ जाने के लिए निकलता है। रास्ते में वो अपने सीनियर विक्रम को कॉल करता है, जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ था। विक्रम को जैसे ही पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वो भी काफी शॉक था और वो अपनी वाइफ और बेटे को वार्न करता है कि वो घर से बाहर ना जाए, जिसके बाद विक्रम भी वहाँ जाने के लिए निकलता है। तो वही हम कबीर को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच गया था। वहां पर एक बच्चा था जो कबीर को बताता है कि उसने बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले को देखा है। अब ये सुनने के बाद कबीर उस बच्चे को स्केच बनवाने के लिए भेज देता है, जिसके बाद हम इंडिया गेट को देखते हैं, जहां पर दो बच्चे बैठकर बात कर रहे थे। तभी उन्हें बेंच के नीचे से आवाज आती है और जब वो चेक करते हैं तो नीचे बॉम्ब था। अब दोनों में से एक बच्चा उस बॉम्ब को उठा लेता है, तो वही दूसरा जाकर पुलिस वाले को इन्फॉर्म करता है। वो कॉन्स्टेबल वहां पर आता है और बच्चे से बॉम्ब मांगता है, लेकिन बच्चा उस बॉम्ब को नहीं देता, क्योंकि बच्चे को डर था कि अगर उसने बॉम्ब दे दिया तो बॉम्ब यहीं पर फट जाएगा। अब वो कांस्टेबल इस बारे में विक्रम को इन्फॉर्म करता है और विक्रम वहां पर आ जाता है। विक्रम ये देखकर शॉक था कि वो बच्चा अभी भी बॉम्ब लेकर खड़ा था। अब विक्रम उस बच्चे से बॉम्ब लेता है, तभी वहां पर बॉम्ब स्क्वाड आता है और बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। अब ये देखकर सभी लोग काफी खुश थे, लेकिन तभी उन्हें एक धमाके की आवाज आती है, यानी कि दूसरी एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। जिसके बाद हम कबीर को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि एक हॉस्पिटल के पास भी बॉम्ब मिला है। जब कबीर वहां पर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो बॉम्ब एक कार में था और वो कार ICU की बिल्डिंग के पास थी और ICU में बहुत सारे पेशेंट्स थे। अब ये बात सुनने पर कबीर उस कार के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वो बॉम्ब स्टेयरिंग के साथ लॉक था, यानी कि अगर स्टेयरिंग हिलता तो बॉम्ब फट जाता। तभी कबीर देखता है कि सामने एक वेयरहाउस था जहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए कबीर अपनी कार में बैठकर उस कार को धक्का देता है, जिससे वो कार वेयरहाउस में चली जाती है और वेयरहाउस में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वही हम मीडिया को देखते हैं जो इस बॉम्ब ब्लास्ट की खबर को सुना रहे थे। तभी उन्हें एक मेल आता है जिसमें लिखा था कि आज दिल्ली में 6 बॉम्ब ब्लास्ट होंगे। अब ये देख कर मीडिया वाले भी शॉक थे, लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि 6 बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, जिसमें से 2 तो रोक दिए गए थे, लेकिन बाकी 4 बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से काफी लोगों की जान गई थी। तो वही स्केच आर्टिस्ट ने बच्चे की मदद से टेररिस्ट की स्केच बनवा ली थी। अब कबीर और विक्रम अपनी टीम से कहते हैं कि वो इस चेहरे को याद रखें, कि वो हर जगह इस आदमी को ढूंढे, उन्हें जिन पर भी शक होता है उन सभी को पकड़कर उनसे पूछताछ करें, जिसके बाद उनकी टीम भी अपने काम पर लग जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले गुजरात में भी ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और तब गुजरात पुलिस ने इसके बारे में काफी इंक्वायरी की थी और उन्हें बहुत कुछ पता चला था, इसलिए उनकी मदद करने के लिए गुजरात की पुलिस ऑफिसर तारा को यहाँ पर बुलाया जाता है। अब तारा की बात करें तो तारा और विक्रम ने एक साथ ट्रेनिंग की थी, लेकिन उन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो दोनों हमेशा छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते। अब तारा उन्हें बताती है कि जब गुजरात में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें एक मोबाइल नंबर मिला था और आज सुबह उन्हें पता चला कि वो नंबर दिल्ली में एक्टिव हो गया था और ये देखकर वो समझ गए थे कि आज जरूर दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होगा। वो दिल्ली वालों को खबर करने वाले थे, लेकिन तब तक खबर आ चुकी थी कि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं। तारा बताती है कि वो टेररिस्ट गुजरात के एक घर में रुके थे और उनके मकान मालिक को शक हो गया था, लेकिन उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसे यकीन आ गया कि ये चारों वही टेररिस्ट थे, इसलिए उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस जब उस घर में गई तो वहां पर बॉम्ब बनाने का मटेरियल था। ये देख कर वो लोग समझ गए कि ये लोग टेररिस्ट ही थे। अब मकान मालिक की मदद से उन्होंने भी उस टेररिस्ट का स्केच बनवाया था और उस टेररिस्ट का नाम शाबाद था। तारा कहती है कि जरूर ये दोनों मिले हुए हैं, जिसके बाद हम हैदर को देखते हैं जो कि एक टेररिस्ट था। एक्चुअली हैदर वही है जिसने अशोक बाग में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। अब हैदर को उसके बॉस रफीक का कॉल आता है और वो उसे शाबाशी देता है क्योंकि हैदर ने अपना काम पूरा किया था। तभी वहां पर नफीसा आती है और नफीसा की बातों से पता चलता है कि वो हैदर से प्यार करती है और कहीं ना कहीं हैदर भी उसे पसंद करता है। अब नफीसा की बात करें तो नफीसा के घर में ही हैदर किराए पर रहता था। नफीसा के पापा भी टेररिस्ट थे,
लेकिन इस बारे में नफीसा को कुछ भी पता नहीं था। उसे तो लगता था कि उसके पापा गैरेज संभालते हैं और हैदर परफ्यूम बेचता है। जिसके बाद हम हैदर को देखते हैं जो उन्हीं चार टेररिस्ट से मिलने जाता है जिन्होंने दिल्ली में अलग अलग जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था, और उन्हीं में से एक शाहबाद था जो कि काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि शाहबाद अपने घर वालों को बहुत मिस कर रहा था। लेकिन हैदर उसे समझाता है कि वो जल्दी अपने घर वालों से मिल पाएगा। अब हैदर शाहबाद के साथियों को बोल देता है कि वो शाहबाद को मोबाइल ना दे क्योंकि इमोशनल होकर शाहबाद अपने घर पर कॉल कर सकता है और अगर उसने कॉल किया तो वो लोग पकड़े जाएंगे। तो वही विक्रम और कबीर एक खबरी को पकड़ते हैं और उससे बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तो वो खबरी बताता है कि कुछ टाइम पहले ही यूपी बॉर्डर से चार लोगों ने बॉर्डर क्रॉस की थी, लेकिन दिल्ली आने के बाद वो लोग कहाँ गायब हो गए ये किसी को भी नहीं पता। तभी उन्हें पता चलता है कि बॉम्ब बनाने में काफी सारे कील और बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती थी। इसलिए वो सारे शॉप में जाकर इंक्वायरी करने लगते हैं कि वो चीजें ज्यादा क्वांटिटी में किसने खरीदी थी, और तभी उन्हें पता चलता है कि एक हलवाई ने काफी सारी चीजें ऐसी खरीदी थी। जिसके बाद ये लोग हलवाई को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो वो हलवाई बताता है कि उसने ये सामान खरीदा था लेकिन अपने लिए नहीं। हलवाई कहता है कि एक खान साहब नाम के आदमी है जिन्होंने कहा था कि उनके घर में रिपेयरिंग का काम है और उसी के लिए उन्होंने ये चीजें मंगवाई थी। अब ये बात सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि खान साहब ने टेररिस्ट की मदद की थी, लेकिन वो इतनी आसानी से खान साहब से पूछताछ नहीं कर सकते थे क्योंकि खान साहब एक बहुत बड़े आदमी थे, इसलिए उनसे पूछताछ करना इतना आसान नहीं था। अब विक्रम और कबीर जब ये बात अपने सीनियर को बताते हैं तो उनके सीनियर भी उन्हें खान साहब से पूछताछ करने से मना करते हैं, लेकिन उनके सीनियर उन्हें एक हिंट देते हैं कि अगर टेररिस्ट को पकड़ना है तो उन्हें कुछ रूल्स ब्रेक करने होंगे। अब ये सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें खान साहब को पकड़ना होगा, लेकिन जब वो खान को पकड़ने जाते हैं तो खान से मिलने सिसु नाम का लड़का आता है जिसे खान एक पैकेट दे देता है। अब ये देखकर कबीर अपने कलीग राणा से कहता है कि वो उस लड़के का पीछा करे, और कबीर जाकर खान को पकड़ लेता है। तो वही राणा सिसु का पीछा कर रहा था लेकिन सिसु वहां से भाग जाता है। अब सिसु की बात करें तो सिसु हैदर का भाई था। तो वही हम खान साहब को देखते हैं जिससे कबीर और विक्रम पूछताछ कर रहे थे। तब खान साहब से उन्हें पता चलता है कि खान साहब बस टेररिस्ट को पैसे पहुंचाने का काम करते थे और इसके लिए उन्हें काफी सारे पैसे मिलते थे। जिसके बाद हम हैदर और सिसु को देखते हैं जो नफीसा की फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे। बातों बातों में नफीसा की माँ कहती है कि हैदर को अब शादी करनी चाहिए, लेकिन हैदर इस पर कुछ नहीं कहता और ये देखकर नफीसा दुखी हो जाती है। हैदर जानता था कि नफीसा उससे प्यार करती है, इसलिए वो नफीसा से कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है, और आज तक जैसा उसने नफीसा के लिए फील किया था वैसा उसने किसी के लिए नहीं किया। इसलिए वो नफीसा से वादा करता है कि जब भी वो बुलाएगी वो आ जाएगा। जिसके बाद हम शाहबाद को देखते हैं जिसे अपने घर वालों की काफी याद आ रही थी, इसलिए वो अपना मोबाइल ऑन करता है और उनसे कॉल करके बात करता है। अब जैसे शाहबाद अपना मोबाइल ऑन करता है पुलिस वालों को उसकी लोकेशन मिल जाती है। जिसके बाद विक्रम और कबीर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और अपने एक लेडी ऑफिसर को उस घर में भेज देते हैं ताकि वो पता कर सके कि उस घर में टोटल कितने लोग हैं। वो लेडी वहां पर जाती है और उन लड़कों से पूछने लगती है कि कुछ टाइम पहले उसकी लड़की घर से भागी है और क्या उन्होंने उसे देखा है। वो लड़के उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। जिसके बाद वो लेडी वापस आती है और विक्रम और कबीर को बताती है कि घर में चार से पांच लोग हैं और उनके पास कोई हथियार है या नहीं ये उसने नहीं देखा। जिसके बाद विक्रम और कबीर उनके घर पर अटैक करने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी उस घर में हैदर आता है और सभी को सामान पैक करने के लिए कहता है। अब उनमें से एक टेररिस्ट हैदर को बताता है कि यहाँ पर एक लेडी आई थी और वो अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी। अब ये सुनते ही हैदर को थोड़ा डाउट होता है और वो जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पुलिस वाले दिखाई देते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि पुलिस वाले उन पर अटैक करेंगे। तो वही पुलिस वाले भी उनको हर तरफ से घेर लेते हैं और उनके घर पर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद वो टेररिस्ट भी गोलियां चलाने लगते हैं और किसी तरह से हैदर वहां से भाग निकलता है, लेकिन शाहबाद पकड़ा जाता है और बाकी तीनों टेररिस्ट मारे जाते हैं। अब हैदर का पीछा विक्रम कर रहा था और विक्रम हैदर को मारने वाला था कि तभी वहां पर एक बच्चा आता है। अब हैदर विक्रम को धमकाता है कि अगर उसने गन नीचे नहीं रखी तो वो उस बच्चे को मार देगा। अब बच्चे को बचाने के लिए विक्रम को गन नीचे रखनी पड़ती है, जिसके बाद हैदर उस गन को उठाता है और विक्रम उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बच्चे को ना मारे। अब हैदर बच्चे को तो नहीं मारता लेकिन वो विक्रम को शूट करके वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वहां पर कबीर आता है, लेकिन तब तक हैदर वहां से भाग चुका था। जिसके बाद वो लोग विक्रम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और तभी वहां पर तारा आती है।
तारा कबीर को डांटने लगती है क्योंकि उन्होंने उसे इन्फॉर्म नहीं किया था। अब ये बात सुनकर कबीर को गुस्सा आता है और वो तारा से कहता है कि अगर वो इतनी काबिल होती तो वो गुजरात में ही टेरिस को पकड़ चुकी होती। अब इसी बात पर दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन तभी राणा उन्हें बताता है कि विक्रम सर की डेथ हो गई। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी शॉक थे। कबीर विक्रम की वाइफ से वादा करता है कि वो एक दिन विक्रम के कातिल को जरूर पकड़ेगा। जिसके बाद कबीर अपने सीनियर के पास जाता है तो उसका सीनियर कबीर पर गुस्सा था। वो कबीर को डांटने लगता है क्योंकि कबीर और विक्रम ने बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए उन टेररिस्ट पर अटैक किया था। इसलिए कबीर को सजा देने के लिए वो कबीर की ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में कर देता है। तो वही हम हैदर और शिशु को देखते हैं जो एक ट्रेन से कहीं जा रहे थे। तभी वहां पर उज़ैना नाम की एक लेडी आती है और वो उन्हें एक पैकेट देती है। जिसके बाद हैदर को रफीक का कॉल आता है और वो उन्हें नेक्स्ट मिशन पर फोकस करने के लिए कहता है। जिसके बाद हैदर और शिशु दरभंगा जाते हैं और वहां पर अपने नेक्स्ट मिशन की तैयारी करने लगते हैं। तो वही हम कबीर को देखते हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहा था। यहाँ पर उसका सारा काम ऑफिशियल था जिसकी वजह से कबीर काफी बोर हो गया था और साथियों से विक्रम के कातिल को भी पकड़ना था। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम हैदर को देखते हैं जो जयपुर में था। तभी हैदर को रफीक का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो अपना मिशन सावधानी से पूरा करे। जिसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जयपुर में भी काफी जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। जब ये खबर कबीर को मिलती है तो वो समझ जाता है कि ये वही टेररिस्ट है जिन्होंने दिल्ली और गुजरात में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। इसलिए वो जयपुर जाता है और अपने एक दोस्त की मदद से उस केस को स्टडी करता है ताकि वो अपने सीनियर को बता सके कि दिल्ली में जिस टेररिस्ट ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था उसी ने जयपुर में भी किया था। अब कबीर सारी रिपोर्ट बना लेता है और अपने सीनियर से मिलने आता है, लेकिन उसके सीनियर पहले से जान गए थे कि कबीर जयपुर गया था और वो ये भी जानते थे कि कबीर इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा। इसलिए वो कबीर से कहते हैं कि उन टेररिस्ट को पकड़ने के लिए एक नई टीम बनाई गई है और उन्होंने कबीर का नाम भी उसमें दे दिया था। अब ये सुनकर कबीर काफी खुश होता है क्योंकि वो अपने काम पर वापस आ सकता था। जिसके बाद कबीर उस टीम में जाता है तो उसकी सीनियर थी तारा। तारा को देखकर कबीर काफी शौक था और वो तारा से माफी मांगता है क्योंकि पिछली बार उसने तारा से काफी रूडली बिहेव किया था और तारा भी उसे माफ कर देती है। अब दोनों ने फैसला कर लिया था कि उन्हें जल्दी से ये केस सॉल्व करना है। जिसके बाद हम हैदर को देखते हैं जो नफीसा से शादी कर रहा था। रफीक ने हैदर को मना किया था ये बोलकर कि मोहब्बत अक्सर इंसान को कमजोर कर देती है, लेकिन हैदर उसकी बात नहीं सुनता और नफीसा से शादी कर लेता है। नफीसा भी हैदर के साथ दरभंगा में बहुत खुश थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हैदर से मिलने उन्हें जाती है। उन्हें हैदर को बताती है कि उसे आगे के मिशन की तैयारी करनी होगी। तभी हैदर को रफीक का कॉल आता है और वो हैदर को बताता है कि उनका नेक्स्ट मिशन गोवा में होगा। जिसके बाद हैदर नफीसा से झूठ बोलता है कि वो परफ्यूम के काम से चेन्नई जा रहा है और नफीसा को भी उसकी बातों पर शक नहीं होता। जिसके बाद हैदर गोवा आता है और वहां पर नई टीम के साथ अपना काम शुरू करता है। अब हैदर के पास दो नए लड़के थे क्योंकि उसके पिछले साथी पकड़े गए थे। अब वहां पर उनकी मदद करने के लिए नफीसा के पापा भी थे। जिसके बाद हम कबीर और तारा को देखते हैं जो लंच कर रहे थे। तभी वहां पर राणा आता है और उन्हें बताता है कि गोवा पुलिस से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है। राणा बताता है कि गोवा में एक आदमी है गोल्डी और कुछ टाइम पहले ही हैदर का भाई शिशु गोल्डी से मिलने गया था और उन्होंने कुछ पैकेट भी एक्सचेंज किया था। अब ये बात सुनते ही कबीर और तारा अपनी टीम के साथ गोवा आ जाते हैं। अब यहाँ पर वो गोल्डी को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो गोल्डी पहले तो उन्हें नहीं बता रहा था, लेकिन उसे काफी पीटने पर वो उन्हें सब कुछ बताने लगता है। गोल्डी बताता है कि शिशु उससे पैसे लेने के लिए आया था क्योंकि किसी ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो शिशु को दे सके। अब इसके बदले में गोल्डी को भी काफी पैसे मिले थे, लेकिन गोल्डी ने शिशु के साथ फ्रॉड किया था और उसने शिशु को असली नहीं बल्कि नकली पैसे दिए थे। अब ये सुनकर कबीर को लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने वो पैसे खर्च किए होंगे, इसलिए ये लोग पूछताछ करने लगते हैं कि नकली पैसे शहर में कहाँ से आ रहे हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि एक हार्डवेयर के शॉप वाले को भी नकली पैसे मिले थे, साथ ही एक रेस्टोरेंट वाले के पास भी नकली नोट मिले थे। जिसके बाद ये लोग जाकर उससे पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर दो लड़के आए थे। अब वो लोग उसका स्केच बनवाते हैं और स्केच को देखकर वो समझ जाते हैं कि हैदर की टीम में नए लड़के आ चुके थे। इसलिए वो लोग हर जगह पर नजर रखने लगते हैं ताकि वो जल्दी से हैदर के लोगों को पकड़ सके। तो वही हम हैदर और उसके लोगों को देखते हैं जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी तैयारी कर ली थी और आज उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट करके ये शहर छोड़कर जाना था।
इसलिए हैदर अपने भाई सिसु से कहता है कि अगर वो 7 बजे तक स्टेशन नहीं आया तो वो उसका इंतजार ना करें। जिसके बाद ये सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाने लगते हैं। अब हैदर एक कैफे में गया था जहाँ तारा भी थी, तो वही हम सिसु को देखते हैं जो एक गार्डन में जाकर बैठा था और कुछ टाइम बाद वो अपनी बैग वहीं पर छोड़कर जा रहा था। लेकिन तभी पुलिस ये देख लेती है और वो सिसु से कहने लगती है कि वो अपना बैग छोड़कर क्यों जा रहा था। अब पुलिस को सिसु पर डाउट आता है, इसलिए वो उसका बैग चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि बैग में बॉम्ब था। अब वो लोग सिसु को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक कार आती है और सिसु का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो वही हैदर के दूसरे साथी उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो पहले गए थे और नकली नोट दिया था। अब जैसे वो रेस्टोरेंट का ओनर उन्हें देखता है, वो कबीर को इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद कबीर वहाँ आ जाता है, लेकिन नफीसा के पापा कबीर को देखकर समझ जाते हैं कि पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेंगे, इसलिए वो उन्हें शूट करने लगता है और वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन कबीर नफीसा के पापा को शूट करता है और उन दोनों को भी पकड़ लेता है। तो वही तारा को हैदर पर डाउट आता है, इसलिए वो उसे देखने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सिसु की मौत हो गई। अब ये सुनते ही तारा वहाँ से निकलने लगती है, तभी हम हैदर को देखते हैं जो भी कैफे से चला जाता है और उसके जाते ही वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और ये देखकर तारा समझ जाती है कि जिस आदमी पर उसे डाउट हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हैदर था। जिसके बाद हम हैदर को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन चला गया था और सिसु का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन टाइम हो जाता है और सिसु वहाँ पर नहीं आता। जिसके बाद ना चाहते हुए भी हैदर को उस ट्रेन से निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो वहाँ रुकता तो वो भी पकड़ा जाता। कुछ टाइम बाद ट्रेन में उन्ने जाती है और हैदर को बताती है कि सिसु अब नहीं रहा। अब ये सुनने के बाद हैदर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तो वही हम हैदर और तारा को देखते हैं जो दूसरे दो टेरिस से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उन दोनों ने नया नया ज्वाइन किया था इसलिए उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अब ये खबर हर जगह फैल जाती है कि किस तरह पुलिस वालों ने टेरिस को पकड़ा। जब सिसु के मम्मी पापा इस खबर को देखते हैं तो वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि सिसु उनका बेटा था। जिसके बाद कबीर उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाता है। यहाँ पर सिसु के पापा उन्हें बताते हैं कि हैदर और सिसु काफ़ी टाइम पहले ही घर छोड़कर चले गए थे। अब यहाँ पर हैदर की कहानी पता चलती है। जब हैदर छोटा था तो वो अपने भाई और चाचा के साथ मूवी देखने गया था, लेकिन तभी शहर में दंगे होने लगे इसलिए वो भागकर अपने घर आने लगे। हैदर के चाचा ने बच्चों को घर में छोड़ा और वो फैक्ट्री चले गए, क्योंकि फैक्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट सामान था और दंगों की वजह से सब लोग यहाँ वहाँ की सारी चीज़ें जला रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद हैदर के घर वालों को खबर मिली कि फैक्ट्री में आग लगी है। जिसके बाद जब घर वाले वहाँ पर गए तो फैक्ट्री की आग में जलकर उसके चाचा की भी मौत हो गई थी। अब इससे हैदर को काफ़ी सदमा लगा था। जिसके बाद हैदर रफीक नाम के आदमी के पास जाने लगा जो बच्चों को कुछ सिखाया करता था। जिसके बाद रफीक ने हैदर को उल्टी सीधी बातें सिखाना शुरू कर दिया कि किस तरह बाकी के लोग उन्हें कमज़ोर समझते हैं और उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, इसलिए हमें ताकतवर होना होगा और उन सबको ख़त्म करना होगा। जिसके बाद हैदर उनकी हर बात सुनने लगा और जो रफीक कहता वही हैदर करने लगा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैदर का असली नाम जरार था। अब हैदर का रफीक की हर बात सुनना उसके पापा को पसंद नहीं आया, तो हैदर और सिसु अपने पापा का घर छोड़कर चले गए। जिसके बाद उन्होंने क्या किया ये उसके पापा को पता नहीं था। उन्हें तो आज पता चला कि उनके बेटे टेररिस्ट बन गए थे और उन्होंने इतने सारे लोगों को मार दिया। अब ये सब सुनने के बाद कबीर उनसे कहता है कि वो सिसु की बॉडी ले जा सकते हैं, लेकिन सिसु की माँ कहती है कि उसे अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करना, क्योंकि उनका बेटा देश का गद्दार है और वो उसे माफ नहीं कर सकती। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो वही कबीर को नफीसा के माँ के घर का पता चल गया था, इसलिए वो लोग नफीसा की माँ को पकड़ते हैं और उनसे हैदर और नफीसा के बारे में पूछते हैं। तो नफीसा की माँ बताती है कि हैदर और नफीसा दरभंगा में हैं। जिसके बाद कबीर और तारा दरभंगा जाते हैं तो वहाँ पर नफीसा अकेली थी। कबीर नफीसा के घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन वहाँ पर हैदर नहीं था। नफीसा समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है, तो कबीर उसे बताता है कि हैदर एक टेररिस्ट है, लेकिन नफीसा उसकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद कबीर नफीसा की बात उसकी माँ से करवाता है और तब नफीसा को पता चलता है कि उसके पापा भी टेररिस्ट थे और उनको भी पुलिस वालों ने शूट कर दिया। अब ये सुनने के बाद नफीसा बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि नफीसा प्रेग्नेंट है। तो वही हम हैदर को देखते हैं जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर था।
वहां पर उसे सलामत नाम का एक लड़का मिलता है जो हैदर को बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला था। सलामत बताता है कि वो दो भाइयों को जानता है जिनमें से एक इंडिया में रहता है और दूसरा बांग्लादेश में, क्योंकि वो दोनों पार्टीशन के बाद अलग हो गए थे। अब दोनों ने अपने खेत में एक सुरंग निकाली थी ताकि वो लोगों को यहाँ से वहाँ भेज सके, जिसके बाद सलामत हैदर को उसी सुरंग में से ले जाकर बांग्लादेश में छोड़ देता है, जहाँ हैदर को लेने रफीक भाई आए थे। रफीक भाई हैदर से कहते हैं कि वो जल्दी हैदर को ईरान भेज देंगे, लेकिन हैदर कहता है कि वो नफीसा के बिना कहीं पर भी नहीं जाएगा। जिसके बाद हम नफीसा को देखते हैं जिसके पास उन्नीस आती है, जो नर्स बनकर वहाँ पर आई थी। उन्नीस नफीसा को बताती है कि वो हैदर से उसकी बात करवाएगी, जिसके बाद वो हैदर को कॉल लगाती है और नफीसा हैदर से बात करती है। नफीसा हैदर से पूछती है कि क्या वो सच में टेररिस्ट है, लेकिन हैदर कहता है कि वो टेररिस्ट नहीं है और पुलिस वाले उसे जानबूझकर फंसा रहे थे। हैदर नफीसा से कहता है कि वो उन्नीस की बात माने और उसके साथ हॉस्पिटल के बाहर चली जाए। वहाँ पर एक लाल गाड़ी खड़ी है जिसमें बैठकर नफीसा रेलवे स्टेशन आ जाए। वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर नफीसा को उसकी टिकट मिल जाएगी। वहाँ से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्री एक्सप्रेस चलती है, उसमें नफीसा बैठ जाए, जिसके बाद अगले दिन नफीसा ढाका पहुँच जाएगी और हैदर उसे लेने आएगा और उसके बाद वो दोनों कहीं जाकर आराम से रहेंगे। अब ये सुनने के बाद नफीसा भी उन्नीस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद उन्नीस नफीसा को वहाँ से भगा कर ले जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर कबीर अपनी टीम को लेकर आता है। अब ये देखकर उन्नीस उन पर फायरिंग करने लगती है, इसलिए कबीर को भी फायरिंग करना पड़ता है, जिसमें उन्नीस की मौत हो जाती है। तभी नफीसा भी वहाँ से भाग रही थी, लेकिन तभी वो न्यूज़ देखती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि हैदर का असली नाम जरार है और उसके मम्मी पापा जिंदा है। एक्चुअली हैदर ने नफीसा से झूठ बोला था कि उसके मम्मी पापा की मौत हो गई है। अब न्यूज़ देखने के बाद नफीसा को हैदर का सच पता चल गया था, इसलिए वो खुद ही कबीर के सामने जाती है और उसे बताती है कि वो हैदर से बहुत प्यार करती है, लेकिन जो भी हो वो देश के गद्दार का साथ नहीं देगी। इसलिए वो कबीर को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से हैदर ने उसे बांग्लादेश बुलाया है और वहाँ से वो दोनों आगे कहीं जाने वाले हैं। अब ये सब सुनने के बाद कबीर और तारा मिलकर प्लान बनाते हैं। वो नफीसा को नाटक करने के लिए कहते हैं कि वो ढाका आ रही है ताकि वो वहाँ जाकर हैदर को पकड़ सके। अब नफीसा हैदर को बता देती है कि वो ढाका की ट्रेन में बैठ चुकी है और सुबह तक पहुँच जाएगी, जिसके बाद कबीर और राणा भी बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्हें दूसरी कंट्री में जाकर टेररिस्ट को पकड़ना था, इसलिए सबसे पहले उन्हें पीएम की परमिशन लेनी पड़ती है। अब पीएम उन्हें परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो दोनों बांग्लादेश चले जाते हैं। अब वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए जगताप आया था, जो कि एक रॉ एजेंट था और वो तारा और विक्रम का बहुत अच्छा दोस्त था, क्योंकि तीनों ने एक साथ ट्रेनिंग की थी, जिसके बाद जगताप ने रॉ ज्वाइन कर लिया था। अब बांग्लादेश जाने पर कबीर जगताप से मिलता है और जगताप उन्हें रेलवे स्टेशन लेकर जाता है, तो वही हैदर भी नफीसा को लेने के लिए रेलवे स्टेशन आ गया था। ट्रेन तो आ जाती है लेकिन नफीसा नहीं आती। ये देखकर हैदर काफ़ी शौक था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कबीर था। कबीर के साथ जगताप और राणा भी था और ये देखकर हैदर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इस बार वो तीनों मिलकर हैदर को पकड़ लेते हैं। वो हैदर को काफ़ी पीटते हैं, लेकिन हैदर ने जो किया उसका उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। अब हैदर को पकड़ने के चक्कर में रेलवे स्टेशन पर काफ़ी हंगामा हो गया था, जिसकी वजह से ये बात बांग्लादेश के मिनिस्टर को पता चल गई थी और वो चाहते थे कि वो सारा क्रेडिट ले कि उन्होंने हैदर को पकड़ा है। इसलिए मिनिस्टर पुलिस ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि वो जाकर उन सबको पकड़े, जिसके बाद हम जगताप को देखते हैं जो हैदर को लेकर एक गोडाउन में आया था। जगताप जानता था कि बांग्लादेश पुलिस जल्दी उनके पीछे पड़ जाएगी, इसलिए वो इंडिया में कॉल करता है और किसी चीज़ की परमिशन लेता है, जिसके बाद जगताप इन तीनों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब जगताप जानता था कि वहाँ पर बांग्लादेश पुलिस आ जाएगी। तभी वो लोग देखते हैं कि पुलिस उनका पीछा कर रही थी, जिसके बाद ये लोग काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर आ जाते हैं। अब बांग्लादेश का जो गेट था उसे जगताप उड़ा देता है और जो इंडिया की बॉर्डर का गेट था वो सोल्जर्स ओपन कर देते हैं। एक्चुअली जगताप ने उसी की परमिशन मांगी थी। अब जैसे ही वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बांग्लादेश पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती और इस तरह से ये लोग हैदर को लेकर यहाँ पर आ गए थे। जैसे ही वो लोग यहाँ पर आते हैं, कबीर विक्रम की वाइफ को इन्फॉर्म करता है कि उसने विक्रम के कातिल को पकड़ लिया है, जिसके बाद तारा वहाँ पर आती है और वो सफीना के हैदर से बात करवाती है। सफीना हैदर को बताती है कि उसने उसे बहुत प्यार किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हैदर इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। सफीना कहती है कि
कि उनके बच्चे को सब लोग टेररिस्ट का बच्चा कह के बुलाएंगे। सफीना का कहना था कि जिस देश ने हैदर को इतना सब कुछ दिया उसी को हैदर कैसे बर्बाद कर सकता है। सफीना हैदर से कहती है कि अगर वो सही होता तो सफीना, हैदर के माँ बाप सब लोग उसका साथ देते, लेकिन हैदर ने रफीक को चूज किया और उसकी हर बात मानता गया। उसे समझना चाहिए था कि रफीक बस धर्म के नाम पर उन्हें भड़का रहा था और उन्हें आतंकवादी बना रहा था, लेकिन अब ये सब समझने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जिसके बाद हम जगताप को देखते हैं जो सबसे कहता है कि उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतने बड़े टेररिस्ट को पकड़ा है, लेकिन कबीर का कहना था कि हैदर जैसे लोग बस कठपुतली हैं, उन्हें इनके मास्टरमाइंड को पकड़ना होगा। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि रफीक को काठमांडू में देखा गया था, और ये सुनते ही ये लोग रफीक को पकड़ने की तैयारी में लग जाते हैं, और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी इंडियन पुलिस फोर्स सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।